जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि इंडियन नेवी एमआर का इस बार का एडमिट कार्ड कट ऑफ क्या रहने वाला है। और आप लोग को बता दूं, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, बिल्कुल 100% ऑफिशियल कट ऑफ है। ऑफिशियल कट ऑफ किसका, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो अभी आप लोग को पता है डबल ए और SSR का भी पेपर चल रहा है और उनका जो एडमिट कार्ड के लिए जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है। तो सेम टू सेम अभी जो देखोगे यहाँ पे कट ऑफ, जितना भी नीचे तक जाएंगे अभी कट ऑफ, वही कट ऑफ इस बार रहा है। और एमआर के लिए भी दोस्तों यही कट ऑफ रहने वाला है, या इससे 1% आगे हो सकता है या 1% पीछे हो सकता है दोस्तों, ठीक ना। तो ये एक ऑफिशियल कट ऑफ है और आप लोग देख लो, ठीक ना, आप लोग देख लो सारे कट ऑफ को और इतना ही कट ऑफ जाएगा, आप लोग देख लेना एमआर में भी दोस्तों, ठीक ना। हो सकता है तो 1-2% ऊपर जाएगा, ठीक ना, लेकिन नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। 1-2% ऊपर जाएगा क्योंकि डबल ए में 10,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था डबल ए और SSR में दोस्तों, वहीं की इसमें 1750 कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है, ठीक ना। तो यहां पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कट ऑफ 3% बढ़ेगा या उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। तो ये एक ऑफिशियल कट ऑफ है, आप लोग को दिखा रहा हूं, ठीक ना। और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेवी एमआर का जो कट ऑफ लगता है ऑल इंडिया पे कट ऑफ नहीं लगता है, हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो कोई स्टेट का हो सकता है 60%, कोई का 70%, तो कोई का 80%, तो कोई का कुछ भी हो जाता है दोस्तों, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना। और इस वीडियो में आप लोग को इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हो गए या केंद्र शासित प्रदेश हो गए जहां पे नेवी के लिए बंदे बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, वो सारे स्टेट को हमने यहां पे ले लिए हैं और उनका कट ऑफ आप लोग को बताने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। और आप लोग जो भी बंदे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूं दोस्तों और आप लोग यहां पर देखिएगा। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, तो देख लो बिहार का 88.6% ये डबल ए और SSR का कट ऑफ गया है इस बार दोस्तों, ठीक ना। अब MR का कट ऑफ कितना जाएगा, आप लोग का ये डाउट चल रहा है, ठीक ना। तो MR का समझ लो कि 90% जिनका है वो कंफर्म रहो, बाकी बाद 88.6% वाले भी को बहुत बहुत चांस है, क्योंकि इस बार पता है फॉर्म कैसे फिलअप हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट मार्क्स को बढ़ा बढ़ा के फॉर्म फिलअप किए हैं, इसके कारण परसेंटेज हाई गए, नहीं तो इतना हाई परसेंटेज नहीं जाता था, ठीक ना। मतलब कि जिनका कम नंबर है, जैसे कि मैथ में उनका समझ लो कि मतलब कि 80 नंबर है, तो वो मैथ में 96 नंबर बढ़ा के लिख दें कि मेरा परसेंटेज हाई हो जाएगा और मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक ना। इसी कारण कट ऑफ हर स्टेट के बढ़ गए हैं, ठीक ना, एडमिट कार्ड के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनको आगे जाके परेशानी होगी, आप लोग ऐसा मत करना फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात करते हैं असम के लिए, तो असम के लिए 70% गया है कट ऑफ इस बार डबल ए और SSR के लिए, MR का भी इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। त्रिपुरा का 79.3% जाने वाला है दोस्तों। वहीं बात करते हैं आगे तेलंगाना के लिए, तो 90% गया है, ठीक ना, इतना हाई कट ऑफ आप लोग देख सकते हो। ये हाई कट ऑफ जाने का एक ही रीजन है दोस्तों, फॉर्म को फिलअप करते समय ये लोग नंबर ज्यादा बढ़ा दिए कैंडिडेट, उसके कारण यहां पे 90% रह गया है, ठीक ना। तो बाकी बात यहां पे आप लोग देख सकते हो, जा भी सकते हैं, वहां का एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो, ठीक ना, वहां पे परसेंटेज वाले बहुत बच्चे होंगे अच्छे परसेंटेज वाले, तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो यहां पे आप लोग देखिएगा 90% गया है तेलंगाना से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से दोस्तों गया 88.6, हरियाणा से 93.4% पे आ जाएगा आप लोग का MR का एडमिट कार्ड, उत्तराखंड से 92.1 पे आ जाएगा आप लोग का MR का एडमिट कार्ड, हिमाचल प्रदेश के 93.4 पे आ जाएगा आप लोग का एडमिट कार्ड, वेस्ट बंगाल का 84.8% पे आप लोग का एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा MR का। वहीं आगे दोस्तों हम बात करेंगे कर्नाटका का, तो कर्नाटका का 81.2% पे आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, केरला का 93% पे दोस्तों। वही बात करते हैं दिल्ली का, तो दिल्ली का 94% पे दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हो कट ऑफ जो है दोस्तों कितना हाई जा रहा है, ठीक ना। और इसमें आप लोगों को प्रिपरेशन भी बहुत करना ज़रूरी होता है, तो आप लोगों को दोस्तों 100% सिलेक्शन यहां से मिलने वाला है, ठीक ना, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो, 100% यहाँ सेलेक्शन मिलेगा। लगभग 50+ इससे यहाँ ज़्यादा कैंडिडेट को मैंने नेवी MR के अंदर सिलेक्शन दिलवाएँ। अब आपकी बारी है, आपको हम थोड़ा सा एक और डिटेल आप लोग को मैं देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप
तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम अपने चैनल के जो होम पेज है उस पे आ चुके हैं एसजी स्टडी पे दोस्तों। और आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नेवी एमआर का फुल सिलेबस दोस्तों, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ यहाँ पे भी आप लोगों को क्लास चलेगा दोस्तों। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या होम पेज पर आकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बात इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए आपकी जो जानकारी वाली बात है वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। जैसे प्ले लिस्ट में आओगे दोस्तों तो इंडियन नेवी एमआर का यहाँ पर फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। जैसे कि आप लोग नेवी एमआर साइंस चैप्टर वाइज देख सकते हो, इसमें जैसे नेचर ऑफ मैटर का पार्ट वन पार्ट टू हो गया, फिर यूनिवर्स करवा दिया, ऐसे करके जितने भी आप लोगों को सिलेबस के अनुसार पढ़ना है वो पूरा चीज यहां पे आप लोगों को मैंने करवा दिया है दोस्तों। वही बात करते हैं साइंस के बाद की बात जीके की दोस्तों, तो जीके में भी आप लोग देख सकते हो सारा चैप्टर को मैंने करवा दिया है। उसके बाद आप लोग यहां पर देखिए दोस्तों, ये तो मैंने करवाया हिंदी में, लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों, ठीक ना। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने कल पढ़ाया था यहां पर सॉइल, देखो एक दिन पहले पढ़ाया हूँ सॉइल चैप्टर और कितने लोगों ने पसंद किया एक ही दिन में, ठीक ना। तो आप लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग को 100% सिलेक्शन मिलेगा, मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग एक बार मेरे साथ मेहनत करके देखो, आपको मिल जाएगा गारंटी, ठीक ना। तो आप लोग आके क्लास को ज्वाइन करो दोस्तों, और कुछ नहीं बोलना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लोगे फिर आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास कर लेना। और साथ ही साथ इन चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ भी आप लोग को क्लास मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो सब चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही लेना, ठीक। तो चलिए आप अब चलते हैं हम अपने कट ऑफ वाले वीडियो पे। तो दोस्तों जो भी जानकारी थी आप लोगों को मिल रहा है कि कैसे करके आप लोगों को क्या करना है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो कट ऑफ जाएगी 96.09 गई है, महाराष्ट्र का 79, उसके बाद ओडिशा का 84.3% डबल ए और एसएसआर का गया है दोस्तों। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, वही चीज़ एमआर का भी जाने वाला है इस बार, ठीक ना। आप लोग लिख लो कॉपी और कलम से, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर का देखो, जहाँ सोचे भी नहीं थे 91.4% जाएगा, वो भी चला जा चुका है दोस्तों। उसके बाद है मणिपुर का 78.5%, झारखंड का 84.4% पे आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, नागालैंड का 77.5 पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मध्य प्रदेश 89.55% पे आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों एमआर का। वही राजस्थान का 92.2 पे आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, मिजोरम 77 पे, छत्तीसगढ़ 77 पे आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। वही पंजाब की बात करें तो 90% पे आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा, चंडीगढ़ की बात करें तो 80% पे एडमिट कार्ड आएगा, गुजरात की बात करें तो 85.4% आपको होने चाहिए टेंथ में, तब जाके एडमिट कार्ड आएगा। वही मेघालय का 79% है टेंथ में तो आ जाएगा, लक्षद्वीप 78% है तो आ जाएगा, वही पांडुचेरी के 77.5% है तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का 86.7 है तो आप लोग का आ जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा टेंथ में। वैसी के साथ साथ जितने भी स्टेट थे वो मैंने यहाँ पर सारे स्टेट को कवर करवा दिए हैं। अगर आपके कोई भी स्टेट आप छूट रहे हैं या कुछ भी छूटे तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उनको रिप्लाई दूंगा अगर छूट रहा है तो, ठीक ना। बाकी बात इस पीडीएफ को देखना चाहते हो खुद से तो टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। बाकी बात क्लास का डिटेल दे दिया कि क्या क्या पढ़ाई यहाँ पे होगा, कैसे कैसे चलने वाला है, सारा चीज़ अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, तो बस आप लोग जो करना है आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक ना। बाकी बात अब कट ऑफ के बारे में मत पूछना कितना कट ऑफ जाएगी, पूरा डिटेल में आप पूरा एनालिसिस करके आप लोग को बता दें कि इस बार एमआर की कट ऑफ यही रहने वाला है। उसके बाद कम परसेंटेज वाले के भी एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे या फॉर्म फिलअप करें या ना करें कम परसेंटेज वाले, दोस्तों ₹1 चार्ज नहीं रह गए, आप सबके सब फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक ना। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जिनका 50% है 60% है उनका एडमिट कार्ड आने का चांस तभी होगा जब आप लोग नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा मेल करोगे, ठीक ना। जाकर वहाँ मेल करोगे, सबका एडमिट कार्ड दीजिए, सभी का एग्जाम कीजिए। दूसरा है कि ट्विटर पर कैंपेन चला के आप लोग कर सकते हो, तो उसके लिए कितना बंदे साथ हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक ना। और उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा तो नेवी कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा तो आप लोग को देखने को मौका मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोग लेकर आते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।